खुश आमदीद खैर मकदम और वेलकम है आप सभी साम आयी व नाज्रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सही पर आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट सेशन 2022-23 या साल 2022 में बी और डी के एडमिशन के सलेबस के बारे में वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू से बी या डी का एंट्रेंस देना चाहते हैं उन सबों का सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और किस डेट पर एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप सबों के अगर अभी तक आपने रिज़वान जहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबों को मिल जाए और रिजवान जहर यूट्यूब पर बी और डी एल टेस्ट की जो तैयारी की डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उन सभी वीडियोस को आप देख पाएँ तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बी की हम जानते हैं कि मानू में बी के इंट्रेंस टेस्ट के लिए हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जिसे एम कहते हैं कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और बी एड इंटरस टेस्ट में जो सौ क्वेश्चन आते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया हुआ है फर्स्ट ग्रुप में पचास नंबर और सेकेंड ग्रुप पचास नंबर फर्स्ट ग्रुप जो पचास नंबर का है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स कहें तो उसमें पांच सब्जेक्ट मानों में आता है जैसे उर्दू एसएसटी, जिसे सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस फिज़िकल साइंस और फिर मैथमेटिक्स। ये पांच ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन जिन सब्जेक्ट से मानो में एंट्रेंस होता है तो आपका अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में ऐसे ऑनर्स उर्दू सोशल साइंस में के सोशल साइंस अगर कहेंगे तो उसमें आपका हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये चारों सब्जेक्ट है उनमें से अगर आपका कोई ऑनर्स सब्जेक्ट है या फिर आप बोटनी जोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे या फिज़िकल साइंस ऑनर्स आपका है ग्रेजुएशन में तो आप फ़िज़िक्स करेंगे और मैथ ऑनर्स है तो मैथ करेंगे लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप फिर फ़िज़िकल साइंस के साथ जाएंगे उसी तरीके से अगर ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस है सोशलॉजी है साइकोलॉजी है तो भी आप सोशल साइंस के साथ जाएंगे मतलब ये याद रखें कि वो सब्जेक्ट आप फॉर्म फिल में कर सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में एज ए ऑनर सब्जेक्ट रहा हो अगर नहीं है तो फिर या फिर आपका एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा हो अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आप उस सब्जेक्ट से मानो में एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये तो आपका जो सब्जेक्ट होगा तो मैंने आप मैं आपको बता रहा था कि जो पांच सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब पांच सब्जेक्ट से पचास नंबर का आएगा और दूसरा जो आपका जनरल सेक्शन आता है उस पचास नंबर को पाँच अलग अलग ग्रुप में बनाया गया हुआ है सबसे पहले जनरल नॉलेज जो कि दस नंबर का होता है जनरल उर्दू दस नंबर का है जनरल इंग्लिश भी दस नंबर का है रीजनिंग भी दस नंबर का और मेंटल एबिलिटी भी दस दस नंबर का मतलब ये पांच ऐसे सेक्शंस से, हैं इन पांचों सेक्शन से दस दस नंबर के कोश्चन्स पूछे जाते हैं और फिर पचास नंबर आपके मेन सब्जेक्ट से बाकी जब हम बात करते हैं कि इसका लेवल क्या होगा तो जो जनरल सेक्शन होता है वह आपका टेंथ लेवल तक का क्वेश्चन आता है मतलब कि बहुत डीपली और बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बल्कि टेंथ लेवल का ऐसा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट्स आसानी से उसको सोल्व कर ले जनरल सेक्शन में उस लेवल के आते हैं लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है पचास नंबर का उर्दू सोशल साइंस फिजिक्स मैथ या बायोलॉजी तो वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा और उसमें क्वेश्चंस आपके थोड़े हाई लेवल के भी देखे जाएंगे तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम का ये पैटर्न रहा अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कौन से डेट पर होगा तो बी में जो सब्जेक्ट्स हैं पहले दो तक सत्रह अठारह और उन्नीस में कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मतलब कि सभी सब्जेक्ट वालों का एक ही टाइम पे एक ही सिटिंग में होता था लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद से अलग अलग डेट पर इंट्रेंस होने लगा है मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है मैथ बायोलॉजी या फिज़िक्स तो आपका इंट्रेंस टेस्ट 6 जुलाई को होगा अगर आपका सोशल साइंस है तो 7 जुलाई को होगा और या फिर अगर उर्दू है तो उर्दू वालों का भी 7 जुलाई को लेकिन जो 7 जुलाई का है वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग टाइमिंग पे है एक ही साथ एक ही टाइम पे दोनों सब्जेक्ट का नहीं है सुबह में सोशल साइंस है तो शाम में उर्दू का है तो ये आपका ये एंट्रेंस टेस्ट का डेट हो गया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान जहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं फिर आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़